इन्होंने सही में ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया, बोला कुत्ता लगाएंगे। अब लोगों ने कहा सुनिए बहुत हो गया, हम ट्विटर छोड़ देंगे, अब विद्रोह हो जाएगा। कि जो हमें पैसा देगा महीने का 650 रुपए, वो रोज 10,000 पोस्ट देख सकता है, 10,000 ट्वीट, 10,000 मैसेज देख सकता है। जो हमें पैसा नहीं देगा वो 1,000 पोस्ट एक दिन में देख सकता है। ऐसा लगने लगा कि अगले दिन कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट आ जाएगा, कि अगले दिन इलॉन मस्क जग के कौन सा फैसला लेंगे ट्विटर के लिए। तो लोग थोड़ा डरने लगे और लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू कर दिए जो ट्विटर जैसे थे। इंटरनेट का बादशाह, इसने कहा आई एम द किंग, दिस इज द टाइम, अब मैं आता हूं। इन्होंने कहा मैं लॉन्च कर रहा हूं थ्रेड्स, और इन्होंने ओपनली बोला कि थ्रेड इज द कॉम्पिटिटर फॉर ट्विटर, जो ट्विटर का सपना था वो मैं पूरा करूंगा। इलॉन मस्क ट्विटर पे आ गए, इन्होंने कहा कि ये जो मार्क जकरबर्ग है, इसको जक, इनको जक बोला जाता है, कि ये जो जक है ना एक्सक्लूसिवली अंडर जक्स थंब, ये पूरी दुनिया को, श्योर अर्थ, ये कह रहा है पूरी पूरी पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है, मार्क जकरबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, वर्चस्व मतलब एक छत्र राज, मोनोपोली चाह रहे हैं। अब वो ट्विटर का भी अल्टरनेटिव बना देंगे, तो लोग ट्विटर से भी, पूरा सोशल मीडिया उनके पास, सारे एडवर्टाइजर उनके पास, हर इंसान का डेटा उनके पास, आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या पसंद करोगे क्या नहीं पसंद करोगे वो फैसला लेंगे। तो ये इलॉन मस्क का एक चिंतन सही था यहाँ पे, इन्होंने ऐसा बोला। इसके ऊपर एक ट्विटर के यूजर ने बोला कि देखो इलॉन भैया उससे लड़ो नहीं, उनको जित्सु आता है, है ना, मार्क जकरबर्ग को जित्सु आता है। जित्सु क्या होता है, जित्सु एक तरह का मार्शल आर्ट होता है, उनको लड़ाई झगड़ा आता है, उनके लिए ऐसा मत बोलो, हंसी मजाक में। अब ये जो इलॉन मस्क है ना, तो ह्यूमरस है और जानते हो थोड़ा सा स्मार्ट, तो उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई क्या किया, आई एम अप फॉर केज मैच, केज मतलब जाली बंद कर दो, उसके अंदर मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। ये उन्होंने अपना ऑफिशियल अकाउंट से लिख दिया, आई एम अप फॉर केज मैच इफ ही इज, अगर वो तैयार है। हुआ क्या, मार्क जकरबर्ग ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया और लिखा सेंड मी लोकेशन, जगह बता, लड़ेगा अपन, बता कहाँ आना है भाई, भाई तेरा रेडी है। और भाई ये विश्व का सबसे अमीर आदमी, 14वां सबसे अमीर आदमी, इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े इनोवेशन वाले, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सेंड मी लोकेशन, बताओ कहाँ लड़ाई होनी है। और इसके बाद इलॉन मस्क लोकेशन भी भेज रहा है, कह रहा है वेगस ऑक्टेगन में आओ, यहाँ लड़ाई होगी। वेगस ऑक्टेगन क्या है, ये आपने देखा होगा यूएफसी करके होता है, टीवी पे देखा होगा, अरे वही मतलब रेसलिंग WWE, कह रहा है इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगस ऑक्टेगन में। कब होगी समय हमें नहीं पता था, पर जगह डिक्लेयर हो गई। इसके बाद आप लोग रहा होगा कि यहां तक भी मजाक चल रहा होगा, दोनों ट्रेनिंग करने लग गए भाई, ये दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ये देखो इलॉन मस्क की ट्रेनिंग चल रही है और ये देखो मार्क जकरबर्ग की। तो ये सब हुआ जब मार्क जकरबर्ग ने बोला कि मैं थ्रेड लाने वाला हूं, और इलॉन मस्क को लगा अगर थ्रेड आया तो ट्विटर भी क्या।